मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन नाइन न्यूज। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ राज्य में कांग्रेस में महाराष्ट्र के शिवसेना की तरह एक विभाजित घर की भूमिका निभा रहे हैं। चौहान ने कहा, सबसे पुरानी पार्टी मध्य प्रदेश में दो हिस्सों में बटी हुई है। साफ पता चलता है कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए टिकटों का वितरण को लेकर नाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मतभेद हैं। उन्होंने सनातन धर्म का अपमान करने पर विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधा और डेंगू और मलेरिया की तरह उन्हें उन्मूलन की बात कही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, वह यह समझने में विफल हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सोनिया गांधी हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब कांग्रेस कमलनाथ की बन गई है। वह सर्वे करा रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, टिकट वितरण में गड़बड़ी होने पर कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने के लिए कह रहे हैं। कार्यकर्ता दशहरे से पहले ही कपड़े फाड़ रहे हैं और पुतले जला रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी यहां दो हिस्सों में बट गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग पर चौहान ने कहा कि कमलनाथ ने विपक्षी दलों के ग्रुप इंडिया ब्लॉक को बर्बाद कर दिया। ना तो विपक्षी गुट और ना ही कांग्रेस का कोई भविष्य है। और यहाँ पर बड़ा हमला जो है शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बोला है। और लगातार जब से मध्य प्रदेश चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से जुबानी जंग यहाँ पर शुरू हो चुकी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन9 न्यूज़। धन्यवाद।